नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है रुचा गांधी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बहुचर्चित के ऊपर। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ताजा रिलीज हुई मूवी सलाम वेंकी का। और इस मूवी के सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मूवी मुझे बहुत रुलाती है, इतना ज्यादा इमोशनल कर देती है आपको कि आप बाल्टी भर भर के रोएंगे अगर आप इमोशनल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है तो। स्टोरी बहुत ज्यादा तगड़ी है। एक माँ अपने बेटे की मौत से रोज बातें करती है, रोज उसे जाने के लिए कहती है और कभी भी उसका बेटा उसे देख सकता है और उसके साथ जा सकता है, ये उसे पता है। इस तड़प से, इस डर से वो रोज झगड़ा कर रही है, लेकिन उसके बेटे की खुद की इच्छा है कि वो मरना चाहता है। एक दिन उसके दर्द को देखकर, उसका शरीर जो सह रहा है उसे देखकर, उसकी माँ भी उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन लीगली तब मर्सी किलिंग यानी कि इंथोशिया अलाउड नहीं था, तो इसीलिए उन्हें लीगल राइट्स के लिए कोर्ट में लड़ाई करनी पड़ती है। इस पर ये स्टोरी बेस है और ऊपर से एक रियल लाइफ स्टोरी भी है, ये सच में हुआ है। वेंकटेश नाम के एक लड़के की वजह से ही आज जितना ऑनर जीने को मिलता है, जितना रिस्पेक्टफुल अपना लाइफ होना चाहिए, उतनी ही डिग्निटी के साथ अपनी मौत भी होनी चाहिए। इसका हक हमें प्रदान करते हैं हमारे लॉ सेक्शंस आज उस वेंकटेश नाम के इंसान की वजह से। अब स्टोरी ओवरऑल बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंस्पायरिंग भी है। और इसी में काजोल की, वेंकटेश का रोल निभाया है, उनकी, बाकी सभी एक्टर्स की, प्रकाश राज की एक्टिंग बहुत अच्छी है। सभी ने अपने पूरे इमोशंस को दिखाया है इस मूवी के अंदर। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके माइनस पॉइंट की, तो इसमें सबसे पहले मैं म्यूजिक के बारे में बात करना चाहूंगी। म्यूजिक कई जगहों पर बहुत अच्छा, इंस्पायरिंग, हार्ट टचिंग है, लेकिन कई जगहों पर अननेसेसरी लगा। एक वो गाना है जो कोर्ट रूम में प्रेजेंट करते वक्त दिखाया गया है, गाना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसके बजाय कुछ डायलॉग्स या खुद वेंकी किसी से बात करते हुए, उनके दोस्त उनके बारे में बात करते हुए दिखाए जाते, तो हम भी उस मतलब इमोशन से, रिलेशन से कनेक्ट कर पाते कि सब लोगों ने उनके बारे में क्या कहा है। लेकिन वो एक छोटे से गाने में कटा दिया है सब्जेक्ट को, कि जज समझ जाएंगे गाना देखकर और लोग भी समझ जाएंगे गाना देखकर कि कुछ तो इमोशनली बोले होंगे, ऐसा दिखाया है कंसेप्ट। इसलिए डायरेक्शन भी मुझे थोड़ी वीक लगी और विजुअल्स भी इतने कुछ खास खूबसूरत मुझे लगे नहीं। लाइट हाउस के विजुअल्स थे, बीच के विजुअल्स थे, वो थोड़े बहुत ठीक थे, लेकिन इनहांसिंग और केरला या फिर साउथ इंडिया की ये स्टोरी है तो वहाँ के आसपास के और नेचुरल चीजें दिखाई जा सकती थी। सिनेमेटोग्राफी भी मुझे थोड़ा बहुत वीक लगा। अगर आप मुझे पूछेंगे कि थिएटर एक्सपीरियंस के मामले में ये मूवी कैसा है, तो ये ठीक ही है। आप अपने फैमिली को, बच्चों को एक इमोशनल इंस्पायरिंग मूवी दिखाना चाहते हैं तो आप इसे जाकर थिएटर में एंजॉय कर सकते हैं, वरना आप इसे ओटीटी पर आने का इंतजार भी कर सकते हैं। ओवरऑल इसका मैंने आपको स्टार रेटिंग बता दिया है, मैं 5 में से 2.5 स्टार देना चाहूंगी। आप मेरी बातों से सहमत है या नहीं, आप ये मूवी देखना चाहते हैं या नहीं, आपके मन की सारी बातें आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद।